हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं प्रेशर कुकर वाली मटन की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। सो इस रेसिपी को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। सो विदाउट फर्दर एनी अडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें यहाँ पे ले लेना है 500 ग्राम मटन और हमें इसे अच्छे से धो लेना है। इसके बाद मैं अपने कुकर में लूंगी आधा कप सरसों का तेल। सरसों के तेल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप मेक श्योर करें आप सरसों का तेल ही लें। इसके बाद मैंने लिया है 2 से 3 रतन जोत, 7 लौंग और 5 सूखी लाल मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च और फिर 1 स्टिक लिया था मैंने दालचीनी का, 3 तेज पत्ते। और इसके बाद हम सभी को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसके बाद हमें लेना है 7 से 8 मीडियम साइज का छोटा कटा हुआ प्याज और हम इसे अपने कुकर में यहाँ पे डाल लेंगे और इसके बाद हम सभी को बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। रतन जोत डालने से आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका कलर कितने निखर के आया है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे डाल लेंगे अपने मटन को। हमें यहाँ प्याज को अलग से कुक नहीं करना है, हम मटन और प्याज दोनों को ही साथ में कुक करेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाए, इसके लिए मैंने इसमें 2 से 3 पूरा का पूरा हमें इसमें लहसुन डाल लेना है और इसके बाद हम सभी को बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ तो मैंने पूरे पूरे लहसुन डाले, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसके बाद हम इसे कवर करके 5-10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करना है और आप इसे बीच बीच में चलाते रहें। और इसके बाद हमें इसमें डालना है सॉल्ट एज पर योर टेस्ट और हम सभी को अच्छे से मिला लेंगे। एक बार जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा देन हमें अगेन इसे कवर करके कुक करना है। 5-10 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे और हमें बीच बीच में बस इसे चलाते रहना है। इसके फ्लेम को हमें रखना है मीडियम पे और इसके बाद आप देख सकते हैं जो प्याज है वो मेल्ट होना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। तो इसके बाद हम अपने मसाले तैयार करते हैं, जिसके लिए आधा कप मैंने लिया है लहसुन और हम लेंगे आधा कप अदरक। अदरक और लहसुन दोनों को ही हमें अच्छे से पील ऑफ कर लेना है और हम उसे डाल लेंगे अपने मिक्सर जार में। इसके बाद 2 मिर्च, इसके बाद मैंने डाला है 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून जीरा और हम सभी को मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद डायरेक्टली हम इसे अपने कुकर में डाल लेंगे। इसके बाद हमें सभी को बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। इसे डालने के बाद हम 4 से 5 मिनट के लिए अगेन इसे कवर करके कुक करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज और मटन जो है दोनों ही साथ में बहुत ही अच्छे से कुक होते जा रहे हैं। 4 से 5 मिनट बाद जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाला। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, देन 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, देन 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसके बाद हमें सभी को बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। एक बार जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम कुकर का जो ढक्कन है उसे अच्छे से लगा लेंगे और हम इसके फ्लेम को करेंगे मीडियम पे और वेट करेंगे 2 से 3 विसल का। 2 से 3 विसल के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। इसके बाद हमें इसे अब तब तक कुक करना है जब तक इसमें जो तेल है वो अलग ना हो जाए। इसे आप ढक के कवर करके 4-5 मिनट के लिए छोड़ दें और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। एक बार जब इसमें तेल अलग हो जाएगा तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तेल इसमें बिल्कुल अच्छे से अलग हो चुका है, वो आपको दिख रहा होगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है 1 गिलास पानी, या फिर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए होगी आप उस हिसाब से इसमें पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद आपको सभी को अच्छे से मिला लेना है और ये सब हो जाने के बाद लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और इसके बाद हम इसे लास्ट बार अच्छे से मिलाएंगे एंड देन वी विल बी गुड टू गो। और इसके बाद हमारा प्रेशर कुकर वाला मटन की रेसिपी जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें एंड दिस डिश सुपर टेस्टी, बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। सो अगर आपको मटन बहुत ही जल्दी और बहुत टेस्टी बनाना है तो प्रेशर कुकर वाला मटन सबसे बेस्ट होता है। इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो एंड मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।